और कोटा से बड़ी खबर है, भैंस चुराने के शक में पीट पीट कर एक शख्स को मार डाला गया। बारा के कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। घायल ने इलाज के दौरान कोटा के अस्पताल में दम तोड़ा है। तो मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आया है और ये मामला कोटा में सामने आया है, जहां पर भैंस चोरी के आरोप में एक शख्स को बेरहमी से मारा गया। उसकी हालत गंभीर थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसने दम तोड़ दिया है। भंवर चरण हमारे साथ जुड़ गए। भंवर, अब तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कब की ये घटना, विस्तार से बताइए। जी देखिए, घटना एक दो दिन पुरानी है और घटना बारा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। भैंसे चुराई है युवक ने, धन्नालाल इस युवक का नाम है। इस पर शक था और कुछ लोगों ने इसकी पिटाई की, जिसके बाद गंभीर हालत में इसको बारा से कोटा के एमबीएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया था और दौरान इलाज आज सवेरे धन्नालाल ने दम तोड़ दिया है। तो बारा कोतवाली थाना पुलिस ने पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को नामजद करके पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए कोशिश कर रही है। जी, और भंवर ये जानना चाहेंगे कि मॉब लिंचिंग को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए जाते हैं, उसके बावजूद ये जब घटना सामने आती है तो पुलिस के आला अधिकारी क्या कहते हैं? जी देखिए, इस पूरे मामले में युवक ने भैंसे चुराई है या फिर नहीं चुराई है, जिस तरह का शक उस पर था और जिस तरह की शक की बिना पर उसकी पिटाई की गई है, उसकी बातों में कितनी सत्यता है ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन कुछ भैंसे वहां पर चोरी हुई थी और दूसरे पक्ष का मानना था कि धन्नालाल ही वो आदमी है जिन्होंने उनकी भैंसों की चोरी की है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जब तक पुलिस पड़ताल नहीं हो जाती, कौन गलत है कौन सही है कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल पूरे मामले में जिस तरह से मारपीट आरोपियों ने की थी, अब उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही है क्योंकि हत्या का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो कुल कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है भंवर? चार पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनको नामजद भी किया जा चुका है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भंवर तमाम जानकारी के लिए।